हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल है। जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में किया था कि एंड नहीं किया था उसका, टू बी कंटिन्यू लिख दिया था, तो आज का व्लॉग भी बेबी से रिलेटेड है। तो अभी जैसे कि पता है आपको कि थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ मैं, बहुत चीज़ें होती हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना तो चाहती हूँ बट नहीं हो पाती हैं। बट कोई नहीं, जितना मैं कोशिश करती हूँ उतना मैं शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। अभी जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं आ गई थी कल शाम को, वापस आ गई थी, और आज सुबह मॉर्निंग में बच्चों का एग्ज़ाम है तो मॉर्निंग में उठी मैं 6 बजे, उनको रेडी करके बच्चों को स्कूल भेजा। उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट करके मैं फिर सो गई थी क्योंकि बहुत नींद आ रही थी, थकी भी थी थोड़ा सा। तो अभी उठी हूँ तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शूट कर लेते हैं। बस अभी बच्चे आने वाले हैं तो मैं फिर से रेडी हो रही हूँ। और जैसे कि आपको पता ही है कि आज, जो मैंने पहले भी शायद व्लॉग में बताया है कि आज बेबी की छठी है, आज उसको 6 दिन हो जाएंगे। तो जब 6 दिन का बेबी हो जाता है तो उसकी छठी पूछते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं मम्मी के घर पर ही शूट करूँगी, जो जो रस्में हैं, क्या क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं वो शूट वहीं पे करूँगी। तो ब्लॉग मैंने अपने घर पे यहाँ पर ही शुरू कर दिया है। तो बस अभी मैं रेडी होंगी, थोड़ी देर तक रेडी होके फिर चलेंगे हम लोग अराउंड, आई थिंक 1-1.5 बज जाएगा हमको निकलते निकलते, क्योंकि अभी बच्चे भी आने वाले हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। तो आज बस छठी का दिन है, क्या रस्में होंगी, कैसे मनाई जाएगी छठी बेबी की, वो मैं दिखाऊंगी इस व्लॉग में। बने रहिएगा लास्ट तक व्लॉग में। जिस जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। मैंने देखा कि आप लोग व्लॉग में बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दिल से जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं। वैसे तो मैं रिप्लाई दे ही रही हूँ सबका कमेंट्स में, अगर किसी का रह जाता है तो सॉरी, क्योंकि आपको पता है अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है मेरा, तो कोई ना, आराम से सबके रिप्लाई भी दिए जाएंगे। और स्पेशली जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलेगा, क्योंकि वो नहीं दबाएंगे तो आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। तो जस्ट अभी स्टार्टिंग है, मिलते हैं फिर रेडी शेडी होके मम्मी के घर पर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा, जो मैंने इससे पहले वाला वीडियो बनाया है उससे थोड़ा सा अलग है। जो आप क्लिप पहले देखेंगे वो एक्चुअली उस दिन की है जिस दिन बेबी का 6th डे, छठी वाला दिन था। तो उस दिन वो वीडियो मैं पूरा नहीं शूट कर पाई थी, उसका रीज़न ये है। ये रीज़न बताने के लिए ही मैंने वीडियो शूट कर रही हूँ आगे का, क्योंकि वो अधूरा ही रह गया वीडियो। एक्चुअली हुआ ये, जिस दिन मैं छठी वाले दिन गई थी मम्मी के घर, तो वहाँ पर मुझे जाकर पता लगा कि बेबी को जो जॉन्डिस वैसे तो हुआ था जिस दिन उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी, लेकिन 2 दिन बाद जब उसको टेस्ट दिखाने के लिए गए डॉक्टर के पास, तो जब डॉक्टर ने देखते बोला कि नहीं, उनको डाउट हुआ कि बेबी का जो जॉन्डिस है वो थोड़ा सा बड़ा हुआ लग रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप एडमिट ही करा दें तो बेटर रहेगा, तो कंट्रोल भी हो जाएगा। और जैसे कि उन्होंने पहले बोला था कि था जॉन्डिस, तो 2 दिन तक उन्होंने बोला था अगर आप बेबी को मॉर्निंग की धूप लगवाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि उसके नेक्स्ट 2 डेज धूप ही नहीं निकली और बारिश होती रही, बारिश वाला मौसम बना रहा, तो जिसके कारण क्या हुआ, बेबी का जॉन्डिस बढ़ गया। तो जब मैं पहुंची तो मुझे ये पता लगा कि शाम को बेबी को फिर से एडमिट करना पड़ेगा। तो जो छठी का प्रोग्राम हमने फिक्स किया था वो हमने नॉर्मली कर लिया, क्योंकि जैसे जो चीज़ जैसे पूजा होती है प्रॉपर जो चीज़ होती है, बस थोड़ा बहुत ही किया हमने, जो भी रीति रिवाज जैसे होते हैं, नेहा को हमने माथा टिकवा दिया था और उसको खाने को जो भी बना था वो थोड़ा थोड़ा टेस्ट करवाना होता है, लेकिन वो इतनी जल्दी में हुआ कि मैं शूट भी नहीं कर पाई। प्लस और मेरा मूड भी ऑफ हो गया था ये सुन के कि दोबारा से बेबी हॉस्पिटल में जा रहा है
एडमिट होने के लिए, तो वो मेरा मन ही नहीं किया मतलब शूट करने के लिए। तो इस चक्कर में मैंने वीडियो वहीं तक ही, जब मैंने यहाँ घर से वीडियो बनाई थी वही वीडियो मैंने बना के उतना ही ख़त्म कर दिया। बट मैंने सोचा कि आगे व्लॉग कंटिन्यू रखना है तो वीडियो बनानी ही पड़ेगी और रीज़न बताना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं ये वीडियो फिर वापस घर आकर मैंने वीडियो बनाई है। और रीज़न ये यही है कि बेबी शाम को दोबारा एडमिट हो गया था हॉस्पिटल में, तो मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाई थी। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैं वापस ही आ गई थी यहाँ पर घर पर, तो जब दो दिन बाद मतलब बेबी को जब छुट्टी मिली, नॉर्मल था सब कुछ, अब बेबी घर आ चुका है, सब अच्छे हैं, मतलब मम्मा बेबी दोनों हेल्दी ठीक है, उसका जॉन्डिस भी सही है। और दूसरा ये, जिस दिन उसकी छुट्टी हुई थी तो उसी दिन जो जैसे होते हैं ना वो किन्नर आ गए नाचने के लिए, उससे दो दिन पहले पहले भी आए थे बट बेबी घर पर नहीं था, तो उन्होंने बोला कि अब हम थर्ड टाइम आएंगे तो हम थर्ड टाइम बधाई लेने नहीं आते हैं, तो अब इसी दिन ही मतलब नाच के जाएंगे और बच्चों को आशीर्वाद देके जाएंगे। तो मैं भी नहीं थी वहाँ पर, तो इस वजह से वो भी वीडियो नहीं हो पाया। बट उन्होंने वहाँ पर जो वीडियो बनाई, क्लिप्स बनाए जो भी उनके डांस के और जो भी उन्होंने वीडियो घर वालों ने बनाई, तो उन्होंने मुझे वो सेंड की है, मैं इसमें वो वीडियो ऐड कर दूँगी ताकि मतलब वो ये एक पूरा प्रॉपर व्लॉग बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले वाला व्लॉग भी मैंने उसमें एंड में टू बी कंटिन्यू लिखा हुआ है, तो ये आगे का व्लॉग जारी रहेगा। तो अभी ये इतना ही था, और आप लोग व्लॉग पूरा देखिएगा, बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। इस व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि मैं इधर हूँ, बेबी उधर मम्मी के घर पे है, तो इतना। और दूसरा ये क्या है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं बार बार भी जा नहीं सकती। अब अगर मैं गई तो आफ्टर मतलब 29 को ही जा पाऊँगी क्योंकि लास्ट एग्ज़ाम है, अगर मेरा जाना हुआ तो ज़रूर जाऊँगी और वहाँ पर व्लॉग बनाऊँगी। बस इसके बाद मैं जो क्लिप ऐड करूँगी आप वो लोग देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग। चीज़ें बताने को क्योंकि रीज़न मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या हुआ था उस दिन, और फिर मूड ऑफ होने के चक्कर में मैं व्लॉग पूरा नहीं कर पाई। बट ये चीज़ था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मेरे पास थी तो मैंने ऐड करके एक प्रॉपर व्लॉग बना दिया है जिसमें आप लोगों को भी आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। बट व्लॉग देखिएगा ज़रूर, आगे व्लॉग्स आते रहेंगे। ये वाला व्लॉग कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स में, और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी जल्दी जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा क्योंकि मेरी वीडियोस की जो न्यू वीडियोस है उसकी अपडेट आप लोगों को मिलती रहेगी, फिर वो चाहे रेसिपी से रिलेटेड हो
या हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट, कुछ जो भी मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो रहेगी, या बेबी से रिलेटेड, या मैं कहीं जाऊंगी, तो आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इस व्लॉग में इतना ही था। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।